हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम कैपिटल गेन्स का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये आता है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 के अंतर्गत, जिसमें हम ये समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट है क्या। और जैसा कि आप जानते हो, जब हमने कैपिटल गेन्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो हमने उसमें मीनिंग कवर किया था कि कैपिटल गेन्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें यही पढ़ा था ना कि जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है तब जो भी प्रॉफिट होता है, उस वजह से जो भी प्रॉफिट होता है या कोई गेन होता है, वही हमारा क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। तो आज की वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट को ही स्टडी करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट क्या है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोज़ लाते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। तो नंबर 1 बोला गया है कि ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स। अब किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, मतलब हम किन किन चीज़ों को बोलेंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट है। तो नंबर 1 आता है हमारा द सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी एसेट का सेल हुआ, कोई एसेट सेल की गई, कोई एसेट एक्सचेंज की गई। और रिलिंक्विशमेंट का भी मतलब वही होता है, एक्सचेंज करना, है ना। किसी एसेट का लेन देन हुआ या किसी एसेट को सेल किया गया तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। तो हम याद रखेंगे इसका सेक्शन भी। नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा द एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ एनी राइट्स देयर इन। मतलब कोई कैपिटल एसेट है और आपका उस पर राइट था, अधिकार था, है ना, कोई राइट था जो कि क्या हो गया है, एक्सटिंग्विशमेंट हो गया उस राइट का, अधिकार का क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया। ओके, तो वो चीज़ भी क्या कहलाएगी, आपका कैपिटल एसेट पे अब कोई अधिकार ही नहीं है, है ना, तो ये भी क्या कहलाएगी, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगी। नंबर 3 पॉइंट, इट्स कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। कि अब जो है आपको लेनी ही पड़ेगी, एक्विजिशन, वो उस एसेट को आपको लेना ही पड़ेगा। किसी लॉ के अंतर्गत, किसी कानून के अंतर्गत उस एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन है। कहने का मतलब है कि आपको वो उस एसेट का एक्विजिशन यानी कि करना ही होगा, लेना ही होगा उस एसेट को, किसी लॉ के अंतर्गत, किसी कानून के अंतर्गत। तो वो भी हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। 4th पॉइंट है वेयर द एसेट इज़ कन्वर्टेड बाय द ओनर। एसेट को कन्वर्ट कर दिया गया है, किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्टॉक इन ट्रेड में। तो हम जानते हैं स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट कहलाता है। हमने फर्स्ट वीडियो में कैपिटल गेन्स के बारे में पूरा स्टडी किया था, जिसमें हमने कैपिटल एसेट्स पढ़े थे। कैपिटल एसेट वो वाली वीडियो आप ज़रूर वॉच करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो देखना, क्योंकि उसमें कैपिटल गेन्स का पूरा हमने कवर किया था। तो स्टॉक इन ट्रेड में अगर कोई एसेट कन्वर्ट करता है ओनर ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपने एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड की जब मैच्योरिटी होती है या उसका रिडेम्पशन पीरियड, मतलब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, फिर उसका रिडेम्पशन होता है, रीपेमेंट की जाती है, तो वो भी हमारे ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट के अंतर्गत ही आएगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ अ बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। कि बिजनेस का कन्वर्जन कर दिया गया है लिमिटेड कंपनी में। कोई बिजनेस था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है लिमिटेड कंपनी में, तो वो भी हमारी, ये चीज़ भी हमारी क्या कहलाएगी कि आपने कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र किया है बिजनेस को। हमने पढ़ा था ना बिजनेस अंडरटेकिंग्स भी क्या होते हैं, हमारे कैपिटल एसेट होते हैं। तो जब आपने अपने बिजनेस को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कैपिटल एसेट, जब हमने कैपिटल एसेट पढ़ा था तो हमने देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, कैपिटल एसेट होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, यू नो उसका पोजेशन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को की कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो भी हमारी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगी। साथ ही साथ ये भी बोला गया है टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982। तो मेन हमें बस इसमें यही याद रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। ये मेन बात याद रखनी है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा एनी ट्रांजेक्शन whether by way of becoming a member of or acquiring share in a cooperative society, a company etc. which has the effect of transferring the enjoyment of any immovable property। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ किस whether by way of becoming a member of, चाहे वो आप किसी चीज़ के मेंबर बन गए हों, चाहे शेयर्स एक्वायर कर लिए गए हों, चाहे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के या कंपनी के मेंबर हो गए हो, तो जिसका इफ़ेक्ट विच हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एन्जॉयमेंट, जिसकी वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट मिल रहा है, मतलब उस ट्रांजैक्शन की वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज़ करने को मिल रही है ना, उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पड़ा। तो उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है, चाहे वो आप किसी के मेंबर बने हो, किसी कंपनी के, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, है ना, तो उस वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट मिल रहा है, तो वो जो कहलाएगा ट्रांजेक्शन, वो भी क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। तो ये थे हमारे ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स के कुछ पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी कि कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब 30 है टोटल, 30 ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट नहीं कहलाते, उसको भी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल वाले बटन पर क्लिक करें। और कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स आप स्टडी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट सेक्शन चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर ज़रूर अकॉर्डिंगली आप वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।